सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार ने सबके सामने आकर माफी मांगी है। आखिर क्या हुआ है और क्यों अक्षय कुमार ने सबके सामने माफी मांग ली, चलिए आपको बताते हैं। रिसेंटली अक्षय कुमार ने एक टोबैको ब्रांड को प्रमोट करना शुरू किया, जिसके बाद एक बहुत ही ज्यादा लेवल पर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। लेकिन ऐसा लगता है कि अक्षय को अपनी गलती का एहसास हो गया है और इसीलिए उन्होंने पब्लिकली सामने आकर अपने आप को इस ब्रांड से डिसोसिएट किया है। क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको बताते हैं। अक्षय कुमार रिसेंटली एक बहुत ही फेमस टोबैको ब्रांड के साथ जुड़े, जिसके साथ ऑलरेडी अजय देवगन और शाहरुख खान जुड़े हुए हैं। ऐसे में जैसे ही अक्षय कुमार की इस यूनिवर्स में एंट्री हुई, फैंस काफी ज्यादा निराश थे। हम सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार फिटनेस को कितना प्रमोट करते हैं, अक्षय कुमार फिटनेस को लेकर कितने सीरियस हैं। वो खुद कभी भी ऐसी चीजों को कंज्यूम नहीं करते, तो फिर इस तरह के चीजों को ब्रांड को एंडोर्स करना कहीं ना कहीं उनके एथिक्स के काफी ज्यादा खिलाफ था। ऐसे में एक बहुत ही हेफ्टी अमाउंट साइन करके अक्षय ने इस प्रोजेक्ट को साइन किया था। आपको बता दें, अक्षय लिखते हैं, आई एम सॉरी, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू यू All my fans and well-wishers, your reaction over the past few days has deeply affected me. While I have not and will never endorse tobacco, I respect the outpouring of your feelings in the light of my association with Vimal Elaichi. With all humility, I step back. I have decided to contribute the entire endorsement fee towards a worthy cause. The brand might continue airing the ads till the legal duration of the contract that is binding upon me, but I promise to be extremely mindful in making my future choices. In return, I shall forever continue to ask for your love and wishes. Akshay Kumar. Apni taraf se saaf unhone maafi mangi hai aur apne aap ko Vimal ke brand se disassociate kar liya hai. Well, Akshay ke is kaabil-e-tareef action par kya hai aapki raaye, bataiyega zarur. और एक बार पैसे लगते यार, चलो यार हो गया सेम सेम सर, मिशन बाटला चलो देना साहब,